नमस्ते बच्चों, आज हम आपको मूर्ख गधे की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक कुम्हार था, उसने एक कुत्ता और एक गधा पाल रखा था। कुम्हार के मकान के चारों ओर पत्थर की चहार दीवारी थी। कुत्ता रोज चहार दीवारी के अंदर उसके घर और मिट्टी के बर्तनों की रखवाली करता था। गधा अपने मालिक का वजनदार बोझ ढोने का काम करता। गधा कुत्ते से ईर्ष्या करता था। वह मन ही मन सोचता, कुत्ते का जीवन कितने आराम का है, केवल चहार दीवारी के भीतर इधर उधर घूमना और किसी अजनबी को देखकर भौंकना। ऊपर से मालिक उसे प्यार से थपथपाता है, उसे अच्छा खाना खिलाता है। मैं दिन भर भारी बोझ ढोता फिरता हूँ, बदले में कुम्हार मुझे क्या देता है? वह मेरी पीठ पर डंडे लगाता है और खाने के लिए बचा हुआ घटिया खाना देता है। यह तो वास्तव में घोर अन्याय है। कुछ दिन बाद गधे को विचार आया, क्यों न मैं भी मालिक को कुत्ते की तरह खुश करने की कोशिश करूं? मालिक घर लौटता है तो कुत्ता उसे खुश करने के लिए कितने प्यार से भौंकता है। पूंछ हिलाते हुए उसके पास पहुंचता है, अपने अगले पैर उठाकर उसके शरीर पर रखता है। मुझे भी इसी तरह करना चाहिए, फिर मालिक मुझे भी प्यार करेगा। गधा मन ही मन सोच रहा था कि उसी समय उसने मालिक को आते हुए देखा। उसके स्वागत में गधा रेंकने लगा, खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। आगे बढ़कर उसने अपने दोनों पैर कुम्हार की जांघों पर रख दिए। गधे की इस हरकत से कुम्हार हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि गधा पागल हो गया है। उसने मोटा सा डंडा उठाया और गधे की खूब पिटाई की। बेचारे गधे ने तो अपने मालिक को खुश करने की कोशिश की थी, पर बदले में उसे डंडे खाने पड़े। कहानी की सीख: हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।